नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है स्टेटिस्टिक्स सिस्टम का, और चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, बच्चों सभी में एक क्वेश्चन इससे रहेगा, ये मेरी गारंटी है। वो इसलिए इसको जो है वो देखना ना भूलिएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास जो है वो पहुँचता रहेगा। और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूर बैठे जो आपके मित्र यार हैं उनके पास बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुँच सके, पहुँचता रहे। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो नीचे दिए गए जो है लिंक पर आप जो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं वो तो। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप जो है स्वस्थ और प्रसन्न होंगे जो है वो। अब आती है कि जिस समय हम इसकी बात करते हैं, तो अब तक इसके पहले के वीडियो में जो है वो हमने जो है उत्सर्जन का महत्व जो है वो बात किया था। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड चल रहा था, जिसे कि ईसीएफ कहते हैं जो है वो, माने कि जो सेल के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या उसे क्या कहते हैं, हम ईसीएफ कहते हैं वो। और क्लाडी बर्नार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंटरनल सी आबाडी या इसे माइलियो इंटीरियर कहा जो है वो, या इसे जो है वो माइलियो इंटीरियर कहा। ये थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज है ये, इसे बच्चों ने क्या कहा, माइलियो इंटीरियर और इंटरनल सी आबाडी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बॉडी का इंटरनल इसे क्या कहा गया है, सी कहा गया है। और इसे क्लाडी बर्नार्ड जो है इन्होंने 1865 में इसे जो है क्या कहा है वो, इंटरनल सी आप इसे बॉडी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो नीट पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब होती है कि यह जो ईसीएफ होता है, यह ऊतक द्रव रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है वो, तथा लसिका ऊतक द्रव्य का अंश होती है वो। और यह ईसीएफ कोशिकाओं के बाहर पूर्ण शरीर में एक कंटिन्यूअस तरल वातावरण जो होता है ये बनाए रखता जो है वो। अब होती है, यह वातावरण शरीर के विभिन्न भागों के बीच और शरीर एवं इसके बाहरी वातावरण के बीच जो होता है, यह एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का बच्चों ये काम करता है वो। स्पष्ट है कि इसमें एक और ईसीएफ जो होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों से लाभदायक पदार्थ जैसे कि पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, हार्मोन्स इत्यादि को ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने वाली सप्लाई एक लाइन का, और दूसरी ओर कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन पदार्थ एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके उन अंगों को पहुंचाने वाली अपशिष्ट निर्गम प्रणाली माने सेनेटरी ड्रेनेज लाइन का भी काम करता है वो, जो इन अपशिष्टों को शरीर के वायु वातावरण में विसर्जन या उत्सर्जन करने का बच्चों ये कार्य करते हैं वो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, इसे क्या कहते हैं वो, ईसीएफ कहते हैं जो है वो। अब आती है कि अगला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, अगली हेडिंग बच्चों आती है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग आता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी माने कि कॉन्स्टेंटली, माने इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंसी आर स्टडी स्टेट ऑफ, आर स्टडी स्टेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। अब इसमें क्या होता है वो, तो माने शरीर की कोशिकाएं, माने जो शरीर की जो बॉडी सेल होती हैं, यह शरीर के संरचनात्मक संगठन, क्योंकि शरीर के संरचनात्मक संगठन का निर्माण किससे होता है वो, कोशिकाओं से होता है, माने सेल से ही हो करके बॉडी का बच्चों फॉर्मेशन होता है वो। संगठन और इसकी क्रियात्मक सुव्यवस्था में
अपना पूर्ण योगदान तभी कर सकती है जब इनमें सुचारू रूप से उपापचय माने मेटाबॉलिज्म या उपापचय जो है बच्चों होता रहे, उपापचय होता रहे जो है वो। अब होती है कोशिकाओं में सुचारू उपापचय तभी संभव है जो जब ऊतक द्रव्य में इसका रासायनिक आदान प्रदान एक समान अवस्था में बच्चों क्या हो बना रहे, और यह रासायनिक आदान प्रदान तभी समान अवस्था में बना रह सकता है वो जबकि शरीर का अंतः वातावरण जो है वो एक अखंड बना रहे, अर्थात इसमें एक फिजियोकेमिकल रिएक्शंस माने कि एक फिजियोकेमिकल कंडीशन बच्चों इसमें क्या है वो बना रहे जो है अस्थायी बना रहे। अंतः वातावरण की ये जो दशाएं होती हैं ये मुख्यतः होती हैं इसमें जल की मात्रा माने कि बॉडी में जल की मात्रा और इसमें परिसंचरण की दर, पहले क्या होता है वो जल की मात्रा माने कि वाटर की मात्रा, नंबर दो होता है इसमें परिसंचरण की दर, और अगला होता है वो टेम्परेचर माने तापमान, और अगला होता है पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माने परासरणीय दाब, अगला होता है केमिकल कंपोजिशन आयंस का सांद्रण, और अगला होता है एसिड बेस, अगला है एसिड बेस बैलेंस माने अम्ल क्षार संतुलन। ये सब जो होती है वो अंतः वातावरण की अस्थायी दशा को क्या करती है बच्चों ये मेंटेन करने का काम करती है जो है वो। अब होती है कि अगली हेडिंग इसमें आता है, नेक्स्ट हेडिंग होता है होमियोस्टेसिस या उसको क्या कहते हैं समस्थितिकता या साम्य अवस्था, समस्थितिकता। नेक्स्ट होता है समस्थितिकता या उसे कहते हैं होमियोस्टेसिस या इसकी हिंदी होती है समस्थितिकता या उसको कहलाते हैं होमियोस्टेसिस कहलाता है वो। तो बच्चों सम मान्य होता है समान, अस्थैतिक मान्य होता है स्थित होता जो है वो। तो अब होती है कि हम सभी पहले से अवगत है वो कि शरीर के बाहरी वातावरण में भौतिक एवं रासायनिक जो दशाएं होती हैं वह अत्यधिक अस्थिर होती हैं, अस्थिर माने फ्लक्चुएट करती रहती जो है वो, और ये सदैव माने कि ये सदैव जो होती क्या होती है बच्चों ये बदलती रहती है वो, और बदलती रहने वाली वातावरणीय दशाएं जो होती हैं वो अपने को जीवित रखने माने दशा में बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को अपनी क्रियाओं में निरंतर आवश्यक परिवर्तन करते रहना पड़ता है। अब आती है जीवों की इस क्षमता को हम क्या कहते हैं वो, इसको हम रिएक्टिविटी, इसे जो होता है रिएक्टिविटी रिस्पॉन्सिवनेस और इसे बिहेवियर या इसे हम इरेक्टिबिलिटी भी कहते हैं जो है वो। अब होती है कि एक साइंटिस्ट आए हैं वाल्टर बी कैनन और ये आए हैं 1932 जो है वो, इन्होंने बच्चों होमियोस्टेसिस टर्म को दिया जो है वो। अब होती है कि होमियोस्टेसिस क्या होता है जीवो में माने क्या मतलब जीवो में अपने अंतः वातावरण को अखंडता को बनाए रखना अर्थात इसकी मेंटेनेंस की क्या होती है वो जो क्षमता होती है, और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं वो, माने कि एसिड और बेस की बफर एक्शन को बनाए रखना बच्चों क्या कहलाता है होमियोस्टेसिस या उसे क्या कहते हैं समस्थैतिकता कहते हैं वो। माने क्या मतलब वातावरणीय दशाओं के अनुसार जो होता है शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को अंजाम देने अर्थात इनके क्रियान्वयन में पूर्ण शरीर की या किन्हीं विशेष पोषकों की कोशिकाओं के उपापचय में क्या हो जाते हैं परिवर्तन हो जाते हैं वो, और उपापचय की दर जो होती है कुछ विशिष्ट पदार्थों की खपत या कुछ विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन बच्चों क्या होता है वो घट बढ़ सकता है,
या फिर कुछ असमान अवशिष्ट पदार्थ भी इसमें क्या हो जाते हैं, वो बन सकते हैं। वो इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर के अंत वातावरण की विभिन्न दशाएं बच्चों क्या होती हैं, वो प्रभावित हो सकती हैं। वो जिसमें कि अंत वातावरण की अखंडता के प्रभावित हो जाने के कारण बच्चों क्या होता है, जीवित रहना जो है कठिन या असंभव हो सकता जो है वो। माने क्या मतलब, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कि हमारे लिए क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो है वो। और इसलिए जीवधारी जो होता है अपने इस अंत वातावरण की अखंडता को बनाए रखने अर्थात इसके मेंटेनेंस की क्या होती है वो क्षमता होती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे वाटर बी कैनन नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या नाम दिया है वो, होम्योस्टेसिस, या इसे क्या नाम दिया है वो, समस्थितिता नाम दिया जो है वो। अब होती है कि इसको माने कि कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रिएक्टिविटी एंड होम्योस्टेसिस को कैसे किया जाए जो है वो। अब आती है कि इन प्रतिक्रियाओं के अनुसार माने होम्योस्टेसिस के नियंत्रण और नियमन के लिए जो होता है, उच्च कोट के तंतुओं में दो ऐसे तंत्रों का विकास हुआ है वो, जो इन शरीर के सभी भागों का नियंत्रण और जो है वो नियमन करते जो है वो। और इसमें दो सिस्टम काम करता है वो, एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम होता जो है वो, माने इनको कंट्रोल करने दो सिस्टम काम करते हैं, एक को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं और सेकंड बच्चों क्या कहलाता है, सेकंड को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, माने दो सिस्टम काम करता है वो, एक को नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरा क्या होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पर्याप्त इसको लाइक करना भूलिएगा, धन्यवाद।